अलग अलग अंदाज में ब्लॉक मुख्यालय नामांकन करने पहुंचे प्रत्याशी। नामांकन के दिन जहां पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों के द्वारा कुछ अलग अलग अंदाज में ही नामांकन पत्र भरने के लिए ब्लॉक मुख्यालयों पर पहुंचे, वहीं कुछ प्रत्याशी बाइक रैली निकालते हुए ब्लॉक मुख्यालय की तरफ रवाना हुए तो कुछ प्रत्याशी फूल माला से लदकर अपने समर्थकों के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पहुंचे, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था में मौजूद पुलिस व पीएसी के जवान ब्लॉक परिसर के अंदर केवल प्रत्याशी व प्रस्तावक को ही प्रवेश करने की अनुमति दे रहे थे, जिसके कारण प्रत्याशियों के साथ आए दिन समर्थकों को काफ़ी मायूस होना पड़ा, क्योंकि ब्लॉक मुख्यालय से 200 मीटर पहले बनाई गई बैरिकेडिंग पर ही प्रत्याशियों के समर्थक को रोक दिया जाता था। अगर देखा जाए तो जसरा विकास खंड पर कई प्रत्याशी गाजे बाजे के साथ अपने समर्थकों को लेकर के नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पहुंचे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए राजेश सोनकर की खास रिपोर्ट। जनसेवक व क्रिकेट प्रेमी, मैं इस बार युवा प्रत्याशी के रूप में भैया जगदीशपुर से प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं। ये दशा ब्लॉक का माहौल मुझे बहुत अच्छा लगा, लाइन में खड़ा होने का एक जानकारी मिली। पहली बार प्रत्याशी बनकर आए हैं आपके दशा ब्लॉक में, अच्छा लगा। सारी सुविधा अच्छी है, प्रशासन और सरकार बहुत तेज़ी से काम कर रही है। सरकार को धन्यवाद, प्रशासन को धन्यवाद, जिन्होंने प्रशासन ने जो इतनी सुरक्षा हमको देने के लिए, उनका कोटि कोटि धन्यवाद भैया। सर ये बताइए, आप प्रधान उम्मीदवार हैं, तो प्रधान बनकर आपकी क्या इच्छा है? प्रधान बनकर हमारी इच्छा है कि जो भ्रष्टाचार है, जैसे कॉलोनी लेने में आवास दिया जाता है 20,000 लिया जाता है, शौचालय दिया जाता है 1,000 लिया जाता है, ये सब बंद होगा, जो भी बंद हो जाएगा। जो भी सरकारी काम 15 साल से अपूर्ण पड़े हुए हैं उसको पूरा करना है, ठीक है भैया? आपका सुना? मेरा नाम विराट तिवारी। गांव कौन सा है? जगदीशपुर ग्राम सभा।